someone like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He's a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FTI can attest to his sycophantic nature. It's in his blood. He can't help it. Janab Nasiruddin Shah sahab, mere bare mein aapka diya hua interview dekha. आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कहीं कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में हैं वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा, पर अब ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम। और आप जानते हैं मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान। इसको समझ जाइए बस। जय हो।